खबर समस्तीपुर जिले से है, जहां बढ़ते अपराध और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए जिले के नए एसपी विनय तिवारी अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। समस्तीपुर के शहरी क्षेत्र में अपराधी एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर नजर रखने के लिए एसपी विनय तिवारी के द्वारा विशेष उद्देश्य दल टीम हॉक्स का गठन किया गया है। इस टीम को हरी झंडी मथुरापुर घाट से रवाना किया गया। एसपी विनय तिवारी ने कहा कि समस्तीपुर की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए स्थानीय पुलिस के द्वारा एक नई शुरुआत करी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को हूटर से लैस बाइक के साथ शहर के चौक चौराहों पर तैनात किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में जो गश्त करेंगे। कुल मिलाकर समस्तीपुर के शहर क्षेत्र में अपराधियों एवं गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरीके से एसपी विनय तिवारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जरा देखिए इनका क्या कहना है। संवाददाता रतन शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। टीम पे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम के साथ हम लोगों की बैठक भी हुई थी। बैठक के बाद ये मंथन हुआ, व्यापारियों के साथ भी, शहर के सभी, जिले के सभी थाना प्रभारियों ने भी बैठक की। इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि एक विशेष उद्देश्य दल बनाने की आवश्यकता है, जो विशेष करके शहरी क्षेत्रों में टाउन मुफस्सिल मथुरापुर ओपी और मुसरी घरारी थाना तक इस क्षेत्र में जो अपराध हो रहा है उसकी रोकथाम हेतु उस क्षेत्र के गली गली में रहने वाले ऐसे संभावित अपराधकर्मी या वांटेड अपराधकर्मी या वारंटी, इनकी सूची बनाई जाए। और साथ ही हमारी एक ऐसी टीम रहे जो सतत क्रियाशील रहे, खास करके जब व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, दुकान वाले हुए, छोटी दुकानों के लोग हुए, बड़े व्यापारी हुए, ये सब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं। इनके साथ हम लोगों ने बैठक की। बैठक के बाद एक विशेष उद्देश्य दल टीम हॉक्स, इसका गठन किया गया। टीम हॉक्स का रूपरेखा बनाएगी, उनको रिसोर्सेज दिए गए हैं। इसका कार्य ये होगा कि ये सुबह से शाम तक, जब तक मार्केट ओपन रहेगा तब तक अपने एरिया में गतिशील रहेगा, और शहर में जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जनरल घूम रहे हैं तो उसमें जो राउडी टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। वो यंग एज के लड़के जो तेज़ तरह से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पब्लिक को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करें। बैंक्स में जाएं, बैंक्स में देखें कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, जैसे अक्सर कोड़ा गैंग घुमा करता है तो उसकी जांच करें। साथ ही मार्केट एरिया हुआ, मारवाड़ी बाजार हुआ, इधर घूमें, यहाँ रैंडमली लोगों की जांच करें। और जो टारगेट लिस्ट हम लोग देंगे, थाना प्रभारी और हम लोग उनको टारगेट लिस्ट दे रहे हैं कि इन लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है, इनके घर जाना है, ये वांटेड हैं, वारंटी हैं, इन पर लगातार कार्रवाई करें। उसके लिए विशेष उद्देश्य दल का गठन किया गया है। आज हम लोगों ने उसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। ये टोटल 6 टीम हैं, इनको अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है और ये आज से क्रियाशील हैं। हम लोगों का यह उद्देश्य है कि अपराध होने से पहले रोकने की कोशिश की जाए। इसमें शहर के सभी व्यापारियों, आप सभी का, शहर के आम नागरिकों का, सबका सहयोग अपेक्षित होगा। इन लोगों को यह भी रजिस्टर भी दिया गया है और इन लोगों का यह भी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के, जैसे जिसका मारवाड़ी बाज़ार में ड्यूटी है उसको अपने क्षेत्र के मारवाड़ी बाज़ार के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन सबका नाम मोबाइल नंबर दर्ज करना है और अपना मोबाइल नंबर भी देना है, ताकि उन व्यापारियों को कभी आकस्मिक तौर पर अगर जरूरत पड़ती है तो तत्काल वो हमारी टीम से संपर्क कर पाएँ और हमारी टीम वहाँ पर पहुँच कर प्रतिक्रिया स्वरूप फर्दर कार्रवाई कर पाए। तो ये प्लान हम लोगों का अभी हम लोगों ने टाउन मुफस्सिल मथुरापुर ओपी और मुसरी घरारी 4 थानों में 6 टीम टोटल लगाई हैं, जिसमें मुसरी घरारी वाला NH है उस पर भी एक टीम कार्य करेगी और यहाँ से मोहनपुर पुल से लेकर के मुसरी घरारी चौक तक एक टीम कार्य करेगी, बाकी 2 टीम इधर कार्य करेगी। धन्यवाद।